This conference will now be recorded. नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं नए आईपीओ के ऊपर। आईआरसीटीसी का जो आईपीओ आया है, आप में से कई लोगों की क्वेरी थी या भरना चाहिए कि नहीं, राइट फ्रेंड्स। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, लेकिन मैं पहले बता दूं, ये डिस्कशन उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि भाई बोलो हाँ या ना। ये डिस्कशन सबके लिए नहीं है। वो लोग जो लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं उनके लिए तो हजारों साइट्स है जो बता देगी कि भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। हमारा आज का डिस्कशन सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग इन डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं कि भाई ये खुलेगा किधर, कोई मतलब नहीं है। ये वेल्थ क्रिएट करके देगा कि नहीं देगा, क्या ये मुझे आने वाले 10-15 सालों में बढ़िया पैसे कमा के देगा, अगर हाँ क्या ये कंसिस्टेंटली इनकम मुझे दे पाएगा, क्या ये मुझे लेगेसी दे पाएगा, अगर हाँ, अगर इन सब सवाल के जवाब सुनना चाहते हो तो चलिए दोस्तों हम इस आईपीओ की डिटेल तक पहुंचते हैं। This conference will now be recorded. Sorry for the disturbance. Language Hindi rahegi. Dosto, generally koi bhi IPO ka research kahan se karna chahiye? Right? Aap mein se jo log ab khud sikhna chahe, aap logo ko pata hai, hum log prefer karte hai BSC India ki website. Right? BSC India mein corporates pe click karenge. To yahan sari offers सब दिखाई देगी आपको। इसमें से एक है ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट। उसका प्राइस बैंड एंड ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन हियर। इसको मैं और क्लिक करूंगा तो मुझे और डिटेल मिलेगी। प्रोस्पेक्टस को क्लिक करके मैं पूरा प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकता हूँ। और अभी जो मैंने जो डिटेल जो बनाई हुई है वो यही प्रोस्पेक्टस जो मैंने डाउनलोड किया था उसमें से काम की, मेरे काम की सारी चीजें मैंने रिपोर्ट के लिए बनाई है, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आईआरसीटीसी के ऊपर। मैंने अपलोड किया हुआ है वेबसाइट पे, मेन होम पेज वेल्थ क्रिएशन पे मैं गया। वेल्थ क्रिएशन वाली बात ही है ना, ये हम लोग को ढूंढना है यार कि ये आईपीओ मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है कि नहीं। दोस्तों पास्ट में मेरे को कई आईपीओ ने अच्छा पैसा कमा के दिया है लॉन्ग टर्म में। दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि हर एक आईपीओ में हम ओपनिंग भाव देखते हैं, ओपनिंग से कोई कंसर्न नहीं है, राइट। सी लेटेस्ट, यस, आईआरसीटीसी आईपीओ, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके प्रमोटर कौन है? तो प्रमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनके पास इसके सारे शेयर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों ऑफर की साइज कितनी है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं 2 करोड़ इक्विटी शेयर्स की, राइट। 2 करोड़ इक्विटी शेयर्स यानी 12.60% अपना जो पेड अप कैपिटल का जो शेयर रहेगा ये आईपीओ के जरिए ये लोगों को दे रहे हैं, राइट। ऑफर जैसे मैंने बताया 2 करोड़ शेयर, टोटल शेयर्स कंपनी के पास 16 करोड़ है। ये 16 करोड़ में से ये 2 करोड़ शेयर्स यानी 12.16% मोस्ट ये ऑफर में है। दोस्तों ऑफर का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बहुत ही सीधा साधा है कि ये 2 करोड़ शेयर्स को लिस्ट करा के यानी 12.60% अपनी गवर्नमेंट स्टेक बेचकर इससे एक अच्छा डाइवेस्टमेंट, अच्छे पैसे इकट्ठे होंगे, राइट। समरी ऑफ बिजनेस, आईआरसीटीसी के बिजनेस के बारे में दोस्तों कुछ चर्चा हम लोग करते हैं। दोस्तों ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, होल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। आईआरसीटीसी कैटरिंग सर्विस, बुकिंग, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग, पैकेट ड्रिंकिंग वाटर जैसी अलग अलग सर्विस का एडमिनिस्ट्रेट करती है। दोस्तों इनका इनकॉर्पोरेट हुआ था अपग्रेड करने के लिए रेलवे सिस्टम को, अपग्रेड यानी सर्विसेज मोड, सर्विसेज साइड।
मॉडर्नाइज और प्रोफेशनलाइज कैटरिंग और हॉस्पिटलिटी सर्विस देने के लिए को बरसों पहले आईआरसीटीसी को बनाया गया, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिज्म को भी प्रमोट करने के लिए, राइट। ये मिनी रत्न है। यस, सबसे खास चीज आईआरसीटीसी की कि यह कंपनी डेब्ट फ्री है और सिंस इंसेप्शन दिस कंपनी इज प्रॉफिटेबल कंपनी, राइट। तो आईआरसीटीसी की हिस्ट्री कहती है कि यह कंपनी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया है, यानी अपने प्रमोटर जो कि अब तक गवर्नमेंट थी, अपने प्रमोटर को इन्होंने कंसिस्टेंट पैसे दिए हैं, वेल्थ क्रिएट करके इन्होंने दी है अपने प्रमोटर्स को, राइट। ये कौन से बिजनेस में है तो मैंने थोड़ी डिटेल में यहां पे लिखा हुआ है। इंटरनेट के जरिए टिकटिंग, इंटरनेट टिकटिंग में आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे की ऑथोराइज्ड एजेंट है आईआरसीटीसी, जो वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा ई टिकट इंटरनेट टिकट करते हैं। 1.4 मिलियन पैसेंजर्स डेली बेस पे रेलवे में यात्रा करते हैं, उसमें से 72% टिकट्स आज ऑनलाइन बुक होने लगी है, राइट। अंदाजित यानी आप देखो तो 0.84 मिलियन टिकट्स आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है और रेल कनेक्ट नामक इनका जो ऐप है उसे डेली बेसिस पे बुक्ड हो रही है, यानी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम दोस्तों 25 मिलियन पर मंथ है और 7.2 मिलियन लॉगिन हर रोज के है। तो ये हाई ट्रैफिक वाली साइट है। सिर्फ रात को 12:15 से 12:20 तक डेली मेंटेनेंस क्लोजियर रहता है, नहीं तो 2400 घंटे 365 दिन यह वेबसाइट कार्यरत है और कंसिस्टेंटली ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेट करती रहती है। तो एक तो आईआरसीटीसी का बिजनेस है इंटरनेट टिकटिंग का, दूसरा बिजनेस दोस्तों इनका हुआ कैटरिंग का, यानी प्रोवाइड फूड कैटरिंग सर्विसेज टू इंडियन रेलवे पैसेंजर्स ऑन ट्रेन और स्टेशनों के ऊपर भी। दोस्तों पैकेट ड्रिंकिंग वाटर रेल नील नामक ब्रांड के जरिए जो भी पैसेंजर्स हैं इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों ट्रैवल एंड टूरिज्म, यानी ये चार इनके बिजनेस हुए, इंटरनेट, कैटरिंग, पैकेट ड्रिंकिंग वाटर और ट्रैवल एंड टूरिज्म, इनके मेजर रेवेन्यू जनरेटर है। जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हो समेरी में इंटरनेट टिकटिंग के जरिए 2019 यानी लास्ट ईयर 235 करोड़ का टर्नओवर मिला है, यानी 12% शेयरिंग इंटरनेट टिकट की है, मेजर शेयर कैटरिंग का है, यानी 1045 करोड़ का शेयर कैटरिंग की ओर से मिला है 55%। पैकेट ड्रिंकिंग वाटर से 166 करोड़ यानी 9% और ट्रैवल एंड टूरिज्म से 444 करोड़ यानी 24%। तो अंदाजित 2000 करोड़ का इन लोगों ने टर्नओवर किया है, जिसमें मेजर टर्नओवर मिला है कैटरिंग और ट्रैवल एंड टूरिज्म से, राइट फ्रेंड्स। अब दोस्तों ये तो हुआ उनका बिजनेस, लेकिन ये बिजनेस कैसा रहेगा ये जानने के लिए हमें कुछ मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू देखने चाहिए भारत के। यह बिजनेस कितने परसेंटेज से आने वाले समय में बढ़ सकता है ये डिसाइड होता है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो कंट्री में ये कंपनी कार्यरत होती है उससे। तो दोस्तों हमें जानना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू भारत का क्या है। दोस्तों दिस इज रिव्यू ऑफ इंडिया जीडीपी ग्रोथ। जैसा आप लोग जानते हो 2012 से एक नया बेस बनाया गया जीडीपी के लिए और 2012 में जो 87.4 ट्रिलियन की जो जीडीपी हमारी थी वो बढ़ते बढ़ते 2019 में एस्टिमेशन, ये 2019 का है, 140 करोड़ की है। एवरेज 7.1% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से हम लोगों ने ग्रोथ किया है। जैसा आप देख पा रहे हो 2007 तक एक कंसिस्टेंट ग्रोथ था, लेकिन 2018 और 19 में डीग्रोथ हुआ, ग्रोथ में कमी आई। दोस्तों ये ग्रोथ में कमी आई ग्लोबल आउटलुक को लेके, क्योंकि ग्लोबल जीडीपी भी इसी प्रकार से हर साल बढ़ता जा रहा था। ग्लोबल जीडीपी 3.8% से बढ़ रहा था और भारत 8% से।
लेकिन 2018-19 ये दो साल ग्लोबल जीडीपी भी घटा है. इनफैक्ट 2017 में भी ग्लोबल जीडीपी तो डाउन ही था, पर फिर भी इंडिया वॉज स्ट्रॉन्ग. लेकिन अब जो ये ग्लोबल जो ट्रेड वॉर हुआ है, इससे इंडिया का जीडीपी भी 2018 से एक डाउन टिक पे है. राइट, सो द आउटलुक ऑफ जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2020 ये क्या होना चाहिए. दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 19 जैसा हमने एक्सपेक्ट किया 6.8% ये हमारा एस्टिमेशन है. 2020 में 6.9% रहे ऐसा एस्टिमेशन है. 2021 यानी 2020 के सेकंड हाफ से हम लोग वापस ग्रोथ को पॉजिटिव आता हुआ देखेंगे. ये खाली इंडिया के लिए नहीं है, वर्ल्ड वाइड भी H2 से एस्टिमेटेड है कि अगेन ग्रोथ दिखेगा. तो वर्ल्ड पूरा ग्रोथ में आएगा और इंडिया और चाइना ऑलरेडी जो हाई ग्रोथ में है यहाँ पे भी हम ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे. तो दोस्तों 2020 का एस्टिमेशन है 7.4%. राइट, जीडीपी ग्रोथ वुड सी अ मॉडेस्ट अपटिक टू 6.9% इन फिस्कल 2020. राइट, ये इसलिए हुआ है क्योंकि प्राइवेट कंजप्शन वीक हुआ, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी फॉल हुई और एक्सपोर्ट्स भी स्लो हुए. राइट, किस वजह से? ग्लोबल डिमांड जो घटी ट्रेड वॉर के कारण. राइट, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया सेकंड हाफ से हम पॉजिटिव चीजें एक्सपेक्ट करेंगे. अब ये जो पॉजिटिव है दोस्तों, द अपसाइड टू ग्रोथ कुड एसेंशियली कम फ्रॉम टू फैक्टर. इंडिया का जो ये अपसाइड है ये दो जगह से आ सकता है. नंबर वन, मॉनसून टर्निंग आउट टू बी नॉर्मल फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर. राइट, चौथा साल हमारा होगा जबकि मॉनसून बढ़िया रहेगा, रेजिंग एग्रीकल्चर जीडीपी ग्रोथ एंड बेनिफिटिंग फार्म इनकम्स. क्या होता है जब मॉनसून नॉर्मल रहता है, एग्रीकल्चर की जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है और फार्म इनकम बढ़ती है. भारत में मेजर इंडिया कहाँ रहता है, रूरल में रहता है, तो रूरल की इनकम बढ़नी ओवरऑल जीडीपी के लिए जरूरी है. दोस्तों पिछले 15 साल से हम लोगों ने देखा है दो बार ऐसा पीरियड आया था, टू सच पीरियड ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नॉर्मल ईयर्स. राइट, 2005 से 2008 में भी इसी प्रकार से नॉर्मल मॉनसून रहा और हमने जीडीपी में बढ़िया ग्रोथ उस समय देखा था. सेम 2010 टू 2013 में भी हमने इसी प्रकार से बढ़िया मॉनसून देखे जिससे जीडीपी को जबरदस्त लाभ हुआ. राइट, एवरेज हेल्दी एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.6 और 5.5 रिस्पेक्टिवली उस समय रहे थे. दोस्तों दूसरा जो इफेक्ट करता है वो है क्रूड. अब क्रूड का भाव ऑलरेडी अच्छे लेवल पे है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छे पर खराब भी नहीं है. राइट, जो अभी अनसर्टेनिटी आई थी अरमेको के ऊपर हमला होने के बाद, अभी कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी लेकिन फिर भी अब तक क्रूड ने कोई ज्यादा दबाव नहीं दिया है. राइट, तो ये दोनों चीजें पॉजिटिव है इंडिया के लिए अपटिक लाने के लिए. दोस्तों एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दूसरी सर्विसेज के हिसाब से किस प्रकार से रही पिछले इतने सालों में, आप ट्रेंड देख सकते हो. दोस्तों ये जो ब्लू लाइन है दैट इज एग्रीकल्चर. राइट, दिस इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस एंड अदर सर्विस. इंडिया का जो मेजर टर्नओवर जो मिलता था, जीडीपी के जो मेजर सपोर्ट था वो था एग्रीकल्चर 19 और फाइनेंशियल रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विस दैट वाज 19%. 17% मैन्युफैक्चरिंग था और 17% ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, ये सारी चीजें थी. ये था 2012 की बात है. दोस्तों अगर हम 2019 आज देखें तो धीमे धीमे जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर 19 से 14 हुआ है और फाइनेंशियल रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विस शेयर 19 से 22 बना दिया है. ट्रेड, होटल्स, कम्युनिकेशन 17-19 हो चुका है और मैन्युफैक्चरिंग 17-18 हुआ है. तो इन लोगों का शेयर कहां से बढ़ा है, वो बढ़ा है दोस्तों
एग्रीकल्चर का कमी से। तो इंडिया ग्रॉस वैल्यू एडेड जिसको हम बोलते हैं जीवीए, कांस्टेंट प्राइस के ये डेटा है, 6.9% के सीएजीआर से हमने 2012 से 19 में ग्रोथ देखा था, ये 129 ट्रिलियन पहुंची, राइट, एज यू कैन सी 81 टू 129 ट्रिलियन, जिसमें एग्रीकल्चर 3.1% से बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल जीडीपी 6.9% से और एग्रीकल्चर 3.1% से, इसी वजह से कुछ सेक्टर जिन्होंने आउट परफॉर्म किया उन्होंने एग्रीकल्चर का जीडीपी खाया है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग जो 7.5% से बढ़ा है, इसलिए 17-18% हो चुका है, राइट। पे कमीशंस सेंट्रल और स्टेट की वजह से उसने डिमांड को बढ़िया हाई किया है, जिससे ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी में हमने तेजी ये सालों में देखी थी। हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि इस साल मंदी है ऑटोमोबाइल में, उसके कई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पे कमीशन भी एक कारण था एफएमसीजी सेक्टर में अच्छी तेजी के लिए, अच्छा मानसून कारण था एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल ये दोनों को अच्छा बनाने के पीछे पिछले इतने समय से, राइट। यस, यहाँ लिखा हुआ है गुड मानसून ओवर द पास्ट 3 इयर्स ऑल्सो प्रोपेल्ड अप रियल रूरल डिमांड, राइट। तो अगर हम ये कहे कि यस अच्छा मानसून रहा, अच्छे लोगों की इनकम बढ़ी जिससे कंजप्शन बढ़ा, तो ऑटोमोबाइल से लेके एफएमसीजी में अच्छा ग्रोथ हुआ। ये कंजप्शन अगर हम देखें तो पीएफसीई एक इंपॉर्टेंट डेटा रहता है कोई भी कंट्री के लिए। पीएफसीई यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन ग्रोथ, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन ग्रोथ भारत का हम लोग देखें तो बहुत हाई है। मेजर डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग इकोनॉमी हो, उसमें सबसे बढ़िया भारत जा रहा है ऑलमोस्ट 57% के शेयर के साथ। यही प्राइवेट कंजप्शन अगर हम डोमेस्टिकली देखें तो चाइना का 40% है। तो ये बताता है कि इंडिया में डोमेस्टिकली ही बढ़िया प्राइवेट कंजप्शन होता है, राइट। 7.3% के सीएजीआर से ये 12 से 19 में बढ़ा है। क्यों, इसके पीछे क्या फैक्टर है? जैसा हमने डिस्कस किया, गुड मॉनसून, वेज रिवीजन ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ पे कमीशंस, इंटरेस्ट रेट जो कम हुए पिछले इतने सालों में, ये भी कंजप्शन को बढ़ावा देता है, राइट, और लो इन्फ्लेशन लेवल, राइट। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है कोई भी कंट्री के लिए, कोई भी कंट्री की अलग अलग इंडस्ट्री को ग्रोथ देने के लिए, राइट। अगर हम भारत का पर कैपिटा इनकम ग्रोथ देखें, राइट, तो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ भी हमारा बढ़िया 5.5% से बढ़ रहा है, जो वर्ल्ड वाइड देखे तो मेजर इकोनॉमी में सबसे बढ़िया है। पर कैपिटा एनएनआई डॉलर में कंपेयर करके पर कैपिटा अगर हम देखें तो 2012 में 63,462 था, जो आज 87,623 हो चुका है, राइट। इस साल भी हम 5.7% के एस्टिमेशन था। दोस्तों डॉलर में हम देखें तो कुछ ज्यादा ग्रोथ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि 12 में डॉलर 48 था, अभी 65 है, राइट। लेकिन इंटरनल हम पर कैपिटा एनएनआई देखे तो अच्छा ग्रोथ भारत में है, राइट। इसके पीछे दो कारण है, एक तो हमारा जीडीपी ऑलमोस्ट 7% के ग्रोथ से बढ़ रहा है और पॉपुलेशन जो है वो 1% से बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन जीडीपी जितने ग्रोथ से बढ़ेगी, जो कई कंट्री में हो रहा है, अगर पॉपुलेशन जीडीपी ग्रोथ से बढ़ता है तो फिर ग्रोथ कुछ भी नहीं होता है इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम पॉपुलेशन से बहुत बढ़िया तेजी से हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, जो इंडिविजुअल इनकम को अच्छा बढ़ावा दे रहा है दोस्तों, राइट। ये जो डेटा है वो है जीडीपी पर कैपिटा दोस्तों, यानी कोई भी ये प्रॉपर जीडीपी पर कैपिटा नहीं है, राइट, ये पर कैपिटा एनएनआई है। कोई भी कंट्री का अगर एनएनआई बढ़ता है पर कैपिटा, तो ये कंट्री के लिए बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि लोग कैपेबल होते हैं कोई भी चीज को कंज्यूम करने के लिए, हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है जो कई इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है, राइट।
इसके साथ ही और एक जो इंडिकेटर हम इंडिया में देखना चाहिए भी, दैट इज इन्फ्लेशन। हम जानते हैं दोस्तों पिछले 5 सालों में इन्फ्लेशन की कमर तोड़ी है, जो भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन घटने से इंडिविजुअल की खर्चे घटते हैं और वो पैसा इस्तेमाल हो सकता है सेविंग में, आइदर कंजप्शन में। दोस्तों ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया के लिए। एक तो पहली स्लाइड में हमने देखा कि इनकम हमारी बढ़ती जा रही है, तो फर्ज करें हमारी इनकम अगर 6% से बढ़ती है और खर्चे अगर 3-4% से बढ़ते हैं, तो हर साल की हमारी सेविंग की गैप बढ़ती जा रही है। सो दैट इज गुड, राइट। इन फिस्कल 2020, होवेवर अभी 2020 में पे कमीशन हाई, कुछ पॉपुलर मेजर लिए गए हैं फार्म लोन वेवियर के लिए, कई ऐसी चीजें हुई है जैसे कंज्यूमर फ्रेंडली बजट, ये सारी चीजें दोस्तों और पॉजिटिव फैक्टर्स ला सकती है इंडिया के लिए। सो हर तरीके से दोस्तों भारत पे दुनिया की नजर रहनी चाहिए। दोस्तों ये पॉपुलेशन के कुछ फिगर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, रिव्यू ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन और इंटरनेट पेनेट्रेशन, ये तीन चीजें भारत का 2030 में नक्शा बदलेगी। दोस्तों 2030 में तक इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ पहुंचेगा और अर्बनाइजेशन 40% तक पहुंचेगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 1960 की पॉपुलेशन हमारी कितनी थी, 45 करोड़। आज कितनी पॉपुलेशन है, 130 करोड़, ये 150 करोड़ होगी। हम लोग 1960 से लेके अब तक 2% के सीएजीआर से बढ़े हैं दोस्तों। अब हमारा ये सीएजीआर घटा है, इसीलिए इस बार बजट के रिव्यू में भी बताया गया था कि अब तक नए जो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं उनकी संख्या बहुत थी, तो कई स्कूल्स खोलने की जरूरत थी। अभी आने वाले समय में नए बॉर्न की संख्या घटेगी, पर उन लोगों की संख्या बढ़ेगी जो ऑलरेडी बॉर्न हुए हैं। ये लोग बड़े होते जाएंगे तो ये एक नई साइकिल घुमाएंगे, ये लोग कुछ कंज्यूम करेंगे। कंजप्शन इन किसका देखना चाहिए, नए बॉर्न का कि जो अभी बड़े हो रहे हैं उन लोगों का, जो बड़े हो रहे हैं उन लोगों का हमें सोचना चाहिए वो लोग क्या कंज्यूम करेंगे अभी, राइट। इंडिया का टोटल पॉपुलेशन को बताया हुआ है 120 करोड़ था, 25 करोड़ परिवार 2011 में थे, राइट। आपको पता ही है कि ये आज डेटा जो लिए गए थे 2011 में लिए गए थे, तो 2011 में 120 करोड़ का पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 25 करोड़ परिवार रहते थे। 2001 से 2011 के बीच में अगर ये इतनी चीज हम यहाँ की देखें, तो यहाँ पे पॉपुलेशन 1.8% से बढ़ा है, यानी सीधी बात है 1960 से 2000 तक 2% से भी ज्यादा ग्रोथ था। भारत दोस्तों पॉपुलेशन के टर्म में 2030 में चाइना से बड़ा होगा। टुगेदर आज भी अगर हम देखें तो आज चाइना के बाद भारत है हाईली पॉपुलेटेड, वो 140 करोड़, हम 130 करोड़। दोनों का पॉपुलेशन इकट्ठा करें तो 37% दुनिया तो खाली इंडिया और चाइना में रहती है, राइट। अब आने वाले समय में हम 1% के सीएजीआर से बढ़ेंगे, फिर भी 2030 तक हम 150 करोड़ का पॉपुलेटेड कंट्री होंगे चाइना को सरपास करते हुए। अब ये जो 150 करोड़ का पॉपुलेशन होगा, यानी 25 करोड़ के बदले ऑलमोस्ट 32-33 करोड़ जितने फैमिलीज होगी, ये जो फैमिलीज होगी इनकी इनकम अच्छी होगी, जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, इनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़िया होगी, ये लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, कई माइग्रेशन होगा रूरल टू अर्बन, रूरल टू अर्बन का माइग्रेशन मैंने यहाँ चार्ट में नीचे दिया हुआ है, ट्रेंड इन इंडिया अर्बन वर्सेस रूरल पॉपुलेशन। देखिए 1960 में 18% लोग अर्बन में रहते थे, 82% लोग रूरल में रहते थे। दोस्तों 1900 के समय में दुनिया में खाली 13% लोग अर्बन में रहते थे, आज 50% से ज्यादा लोग अर्बन में आ चुके हैं दुनिया भर में, पर भारत इसमें बहुत पीछे है।
भारत के आंकड़े यहाँ पे आपके सामने हैं। अभी हम देखें तो 35% लोग शहर में रहते हैं, 65% लोग गांव में रहते हैं। इट इज एस्टिमेटेड 2030 तक 40% लोग शहर में आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज, बढ़िया लाइफस्टाइल के लिए लोग क्या करते हैं, गांव से शहर में आते हैं। तो ये अर्बनाइजेशन तो होने ही वाला है आने वाले समय में, राइट? ये भी इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। ओवरव्यू ऑफ रेलवे सेक्टर इन इंडिया, ये अब देखना चाहिए। पहले हमने क्या देखा दोस्तों, भारत कैसा ग्रोथ करेगा। ये सारी चीज देख के इतना तो पता चला कि भारत बढ़िया ग्रोथ करने वाला है, भारत की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, लोग शहर में ज्यादा रहेंगे। लोग शहर में रहने के साथ इंटरनेट सेवी होंगे, ऑलमोस्ट ये एस्टिमेशन है 82% लोग इंटरनेट से कनेक्ट होंगे 2030 तक। 100 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करते होंगे, तो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस बहुत ही बढ़ेंगे आने वाले समय में। लेकिन इसका रेलवे से क्या मतलब है, आइए दोस्तों देखते हैं। ओवरव्यू ऑफ रेलवे सेक्टर इन इंडिया, IRCTC की हम बात कर रहे हैं, तो भारत बढ़ेगा पर रेलवे बढ़ेगी कि नहीं दोस्तों। पैसेंजर ट्रैफिक का जो ग्रोथ है वो ये एस्टिमेटेड है कि वो नहीं बढ़ने वाला है। 2014 में 840 करोड़ पैसेंजर हुआ करते थे साल के, 2018 में 829 है, और 2024 में भी ये 850 से 860 करोड़ के आसपास होंगे। यानी पैसेंजर में अब कोई ग्रोथ नहीं देखने वाले हैं, राइट? लेकिन नॉन सबर्बन ट्रैफिक में ग्रोथ होगा। नॉन सबर्बन यानी मेट्रो के बाहर के जो जगह है वहां पे हम अच्छा ग्रोथ देखेंगे दोस्तों। सबर्बन ट्रैफिक अभी 57% है, ये 2024 तक अपना मार्केट शेयर 58 कर देगा, क्योंकि कन्वीनियंट ट्रैवल का प्रेफरेंस बढ़ेगा। हम जैसे अभी देख रहे हैं कि मेट्रोज में कितना ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आज पूरी दुनिया ढूंढ रही है ट्रैफिक के सॉल्यूशन, पर अगर हमें कन्वीनियंट ट्रैवल देखना है तो ये भी एक तरीका है जहां हम ट्रैवल कर सकते हैं। सेकंड क्लास शेयर 17% जो है वो 18% पहुंचेगा 2024 तक। अपर क्लास रिजर्व्ड टिकट बुकिंग सिग्निफिकेंटली 2% से 3% ग्रोथ होगा 2024 तक, राइट? यानी यहां पे ज्यादा रिजर्वेशन होते हैं, किसमें होते हैं, अपर क्लास और सेकंड क्लास में, राइट? अब ये काम क्या लगेगा हम कुछ देर बाद बात करते हैं, राइट? इनके साथ फ्रेट ट्रैफिक ग्रोथ 2018 का यहाँ क्या आपके सामने है दोस्तों। ग्रोथ यहां पे अच्छा दिखेगा, पैसेंजर से ज्यादा ग्रोथ होना चाहिए फ्रेट ट्रैफिक में। जहां हम देखें तो जैसे पैसेंजर में 0% ग्रोथ है, पर फ्रेट ट्रैफिक में 2.5% का ग्रोथ है, राइट? इस साल भी हमने अच्छा 4.5% का एक ग्रोथ देखा दोस्तों। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC, जिसके तहत गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो टर्न अराउंड टाइम है इंपोर्ट करने पे कोई भी चीज को और कंजप्शन के डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ये समय हमें घटाना है, तो ये घटाने के लिए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर होंगे, राइट? ये भी GDP के लिए एक पॉजिटिव चीज होने वाला है। तो ये कैसे बढ़ेगा दोस्तों, अगर ये ईस्टर्न और वेस्टर्न DFC बनेंगे तो पैसा तो इन्वेस्ट काफी होने वाला होगा, राइट? तो कितना पैसा इन्वेस्ट होने वाला है रेलवे में, देखिए इन्वेस्टमेंट इन द रेलवे सेक्टर ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर फाइनेंशियल ईयर 19-21 का अब जैसे देख पा रहे हो, रॉबस्ट इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में हम यहां पे देखेंगे। गवर्नमेंट ने हाल ही अनाउंस किया हुआ था बजट में ही 1.59 ट्रिलियन उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है 2020 के यूनियन बजट तक। 14% ये ज्यादा है पिछले जो उनका एस्टिमेट था उससे। 1.39 ट्रिलियन को इन्होंने बढ़ा के 1.59 ट्रिलियन का
इन्वेस्टमेंट कहा है 2020 तक, इन्वेस्टमेंट और बढ़ेंगे जिससे नेटवर्क डीकंजेशन जो हो रहा है इस पे ध्यान देंगे। आप यहां पे देख सकते हो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा डबलिंग में और न्यू लाइन में। 2014 से 18 में न्यू लाइंस पे 35% और डबलिंग पे 27% हुआ है, जिससे ये जो प्रॉब्लम था नेटवर्क डीकंजेशन ये हट जाए। 19 से 23 में भी डबलिंग पे 38% इन्वेस्ट करने वाले और न्यू लाइन पे 23%। तो आप सोच ही सकते हो दोस्तों कि रेलवे ग्रोथ जबरदस्त करेगा आने वाले टाइम में। तो रेलवे में हमें वो भी देखना चाहिए। साथ में जस्ट मैं एंड बता दूं, देखो ये डबलिंग और न्यू लाइन कौन कर रहा है, क्या राइट्स कर रही है, ये तो अभी आपको सोचना है, राइट? देख लेना आप लोग, हमने आईपीओ के समय भी राइट्स में यही चर्चा की थी कि डबलिंग और न्यू लाइंस में ग्रोथ का फायदा कौन कौन उठाएंगे, राइट? नाउ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन रेलवे कितना है, ये 2018 में 1020 बिलियन, 2021 में 1825 बिलियन, यानी 21% CAGR से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का फायदा आपको भी उठाना चाहिए, ये ढूंढ के कि इसका फायदा कौन सी कंपनियां ले जाएगी, राइट? तो ये था कुछ रेलवे के लिए, यानी रेलवे हाई एक्सपांशन मोड में है, राइट? रेलवे के साथ और क्या चीज इफेक्ट करती है IRCTC को, तो दोस्तों इफेक्ट करती है फूड सर्विसिंग और कैटरिंग इंडस्ट्री भारत की। कैसे, आइए दोस्तों देखते हैं ओवरव्यू ऑफ फूड सर्विसिंग और कैटरिंग इंडस्ट्री। फूड सर्विसेज इंडस्ट्री एस्टिमेशन है कि 3.9 ट्रिलियन की जो 2016 में थी, ये 11% के CAGR से बढ़ के 4.24 ट्रिलियन 2019 में हो जाएगी। हमने कुछ समय पहले फूड सर्विसेज सेक्टर का भी एक वीडियो अपलोड किया था और इसको हमने एक इमर्जिंग इंडस्ट्री इसलिए बताया था क्योंकि इंडिया का GDP अगर 7% से बढ़ता है और फूड सर्विस इंडस्ट्री 11% से बढ़ती है, तो आपको बताने की मुझे जरूर नहीं है कि कौन फास्ट तेजी से बढ़ रहा है। ये हाई ग्रोथ इंडस्ट्री दोस्तों है। ये ग्रोथ कौन ड्राइव कर रहा है दोस्तों? ये ग्रोथ ड्राइव कर रहा है यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, डिस्पोजेबल इनकम भारतीयों की, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बाहर खाने पे, और जो वुमेन बढ़ रहे हैं, कौन से वुमेन में बता रहा हूं, क्या कह सकते हैं हम इसको, फैमिली में। अब तक जैसे एक मेल कमाता था पर अब फैमिली में ज्यादातर आपने देखा होगा तो मेल फीमेल दोनों काम करते, तो वर्किंग वुमेन बढ़ रहे हैं जिससे और डिस्पोजेबल इनकम एक परिवार की दोस्तों बढ़ती है। ये सारी चीजें ड्राइव करती है फूड इंडस्ट्री को। इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्टोरेंट दोस्तों, ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट की अवेलेबिलिटी पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुई है और जिससे वेराइटी ऑफ क्यूसिन्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे खाना आज हमें मिल रहा है। इसी ने दोस्तों, आपने देखा हो तो जोमेटो स्विगी के भी इंडस्ट्री को ग्रोथ दिया है दोस्तों, राइट? डाइनिंग आउट इज ग्रोइंग एंड फूड एट होम इज ऑल्सो ग्रोइंग। सो द डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री टू GDP, ये अलग चीज है, बराबर है? देखिए फूड एंड सर्विस इंडस्ट्रीज तो बढ़ती जा रही है, पर फूड एंड इंडस्ट्री में एक ये भी देखना चाहिए, ये क्या है, भारत का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में 11.2% के CAGR से बढ़ा है 2013 से 18 के बीच में। 6.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी ट्रैवल एंड टूरिज्म, सॉरी 2.6.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी है 2018 में, और ये ट्रैवल और टूरिज्म जितना बढ़ता है उतनी ही फूड एंड सर्विसेज इंडस्ट्री को भी ग्रोथ मिलता है दोस्तों, राइट? तो इसका रेलवे में किस प्रकार से स्ट्रक्चर है, राइट? आइए दोस्तों डिस्कस करें स्ट्रक्चर ऑफ रेलवे कैटरिंग एंड ई कैटरिंग इंडस्ट्रीज। फ्रेंड्स, रेलवे कैटरिंग रिफर्स टू द कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रेलवे ट्रैवलर अबाउट ट्रेन्स।
एज वेल एज ऑन स्टेशन एंड अदर रेलवे एस्टैब्लिशमेंट ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवे। जो भी ट्रेन में हम लोगों को खाना प्रोवाइड होता है, इसके अलावा स्टेशन पे जो अलग अलग सुविधा खड़ी की जाती है उसमें इसका रोल रहता है। दोस्तों ये किस प्रकार से स्ट्रक्चर हुआ है, एक तो मोबाइल कैटरिंग, टेलीफोनिक पेंट्री कार भी है और बेस किचन भी रहते, स्टैटिक कैटरिंग यानी जन आहार, आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ स्टेशन पे ये देखे होंगे, सेल किचन, सप्लाइंग फूड टू ट्रेन, रिफ्रेशमेंट रूम भी आपने डेवलप्ड सिटी में देखे होंगे, फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिट और फूड कोर्ट, ये सारे है स्टैटिक कैटरिंग। मोबाइल कैटरिंग कौन से थे, जो ट्रेन के अंदर पेंट्री कार और बेस किचन में थे। स्टैटिक कौन से, जो हम स्टेशन पे देखते हैं। और ई कैटरिंग यानी ऑनलाइन, दोस्तों ई कैटरिंग एक हाई ग्रोथ करती हुई इंडस्ट्री पूरे भारत में है और रेलवे भी इसका लाभ उठा रही है। दोस्तों रेलवे ने भी कई पार्टनर्स के साथ टाई अप किया हुआ है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, 2 घंटा पहले तो आपको आपकी सीट पे उपलब्ध करा देते हैं ये लोग, राइट। तो हमें क्या मिलता है, ऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट्स, जहां से हम लोग खाना चाहते हैं, अच्छी जगह से भी अगर खाना चाहते हैं तो वो जगह से भी हम ऑर्डर करें, हमारी सीट पे वो खाना उपलब्ध होगा। इसका फायदा IRCTC को क्या होता है, IRCTC 12% फीस लेती है उस पार्टनर से। देखो पार्टनर को बैठे बैठे धंधा मिलता है, कस्टमर को खाना मिलता है अच्छा, हो सकता है कई लोगों को रेल का खाना ना भी पसंद आता हो, कई लोगों की चॉइस अलग हो तो वो भी मंगवा सकते हैं, तो रेलवे को भी फायदा है, सॉरी मुझे रेलवे नहीं कहना चाहिए, IRCTC को भी फायदा है, 12% फीस मिलती है। तो देखो तीनों के लिए विन विन सिचुएशन हुआ कि नहीं है, राइट। नाउ रिव्यू ऑन IRCTC कैटरिंग रेवेन्यू, राइट। ये तो मैंने खाली बातें की है, सही में बढ़ रहा है कि नहीं धंधा। दोस्तों IRCTC कैटरिंग रेवेन्यू 7.5 से 8.5% के ग्रोथ से आने वाले 5 साल में बढ़ेगा। क्यों ऐसा लगता है दोस्तों, 2010 में मोबाइल कैटरिंग सर्विसेज में कुछ चीजें IRCTC से छीन ली गई थी, लेकिन 2017 की पॉलिसी में अगेन रेल बजट में यही चीजें वापस IRCTC को दी गई है और IRCTC खुद इसके जबरदस्त ग्रोथ प्लान में है। तो IRCTC प्लान कर रहा है अपने बेस किचन का नेटवर्क बढ़ाने के लिए, 15 से 20 ग्रीन फील्ड बेस किचन बनाएंगे, जन आहार आउटलेट रेलवे स्टेशन पे करेंगे, ये सारी चीज इनको बढ़ावा देगी ये ग्रोथ पाने के लिए। दोस्तों इवन ये लोग अपनी जो पेंट्री कार है उसको ऐड करेंगे, क्योंकि कई ट्रेनों में अभी भी ये सुविधा नहीं होगी, राइट। हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है रेलवे पैसेंजर में, जो अपर क्लास और सेकंड क्लास रिजर्व टिकट करके जो बैठते हैं सेकंड क्लास और अपर क्लास के पैसेंजर में, ये पैसेंजर बढ़ेंगे तो यहीं से कैटरिंग के ज्यादा ऑर्डर आते हैं, राइट। ये ग्रोथ अच्छा दे सकते हैं IRCTC को। ई कैटरिंग सर्विस अभी भी एक छोटा हिस्सा है कैटरिंग का, पर ये हाई ग्रोथ रहेगा आने वाले समय में। दोस्तों कई फूड प्लाजास बनेंगे जो और कवरेज देंगे कैटरिंग को। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि 2024 तक 14-15 बिलियन का टर्नओवर कैटरिंग से ही आने लगे, राइट। अभी भी देखो 7.5% का तो ग्रोथ एक्सपेक्टेड हुआ कि नहीं यहाँ पे भी। तो दोस्तों ये भी इंडस्ट्री रेलवे के लिए अच्छी है। देखो जनरली क्या होता है, कोई भी मॉल में हम लोग जाते हैं तो हमारी चॉइस होती है हम कहाँ से खाए, जरूरी नहीं है किसको पैसा मिले। ये रेलवे एक ऐसा चलता फिरता मॉल है जहां पे हमें ऑलरेडी कुछ समय बिताना है, तो दोस्तों प्रायोरिटी हमारी यही है कि हम IRCTC से खाना मंगा के खाएंगे, मोनोपोली बोल सकते हैं इनको इनकी। अब की इंडस्ट्री ट्रेंड, अभी क्या ट्रेंड चल रहे इस कैटरिंग में दोस्तों, लॉन्च स्टेशन बेस्ड ई कैटरिंग सर्विस इन 2014, ये बहुत ध्यान से पढ़ने लायक चीजें है दोस्तों। इन्होंने शुरुआत की 2014 में पायलट प्रोजेक्ट से कि चलो 14 ट्रेन में ये चीज शुरुआत तो की जाए, फिर इन्होंने 201 ट्रेन में इसको एक्सपांड किया 2015 तक, और अब ये एक्सटेंड करेंगे 409 ए और ए1 क्लास स्टेशन पे भी ई कैटरिंग की सुविधा।
तो दोस्तों सफलता इनको मिलती जा रही है। दोस्तों एवरेज मिल बुक हुआ करती थी 8500 2018 में, जो आज 2019 में ऑलमोस्ट 20,000 मिल्स बुक हो रही है। तो ज्यादा जो ग्रोथ आ रहा है वो आ रहा है इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइसेस जो आजकल लोग जो यूज करते हैं उसकी वजह से। दोस्तों ग्रोइंग ऑनलाइन पेनेट्रेशन इन रेल बुकिंग, एक्सपांडिंग लिस्ट ऑफ पॉपुलर रेस्टोरेंट जो ऑलरेडी आईआरसीटीसी ने पार्टनर के साथ जो टाई अप किए हुए ई कैटरिंग प्लेटफॉर्म के, इन्हीं चीजों की वजह से आप देख पा रहे हो 541% का ये ग्रोथ मिला है। अब देखो इतना ग्रोथ इसलिए क्योंकि जीरो से हीरो बना है, बराबर, पर अच्छा ग्रोथ है, इसको भी हम मानेंगे, इट्स गुड ग्रोथ। दोस्तों ग्रोइंग नंबर ऑफ यंग ट्रैवलर्स को तो अवेयरनेस होती है इन चीजों की, राइट, उनको कौन सिखाएगा टेक्नोलॉजी क्या, उनको पता ही है, तो ज्यादा उनकी ओर से बहुत ऑर्डर आते जा रहे हैं। दोस्तों 2015 में सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस किया और देखो आज ये कहां पहुंच चुकी है, 1.3 मिलियन 2019 में ऑर्डर पहुंच चुके हैं। सो दैट्स अमेजिंग थिंग, राइट फ्रेंड्स। ड्यूरिंग द पीरियड रेवेन्यू भी, ये तो नंबर ऑफ ऑर्डर है दोस्तों, रेवेन्यू कितनी बड़ी 609% से, राइट, कितनी 402 मिलियन इनको ई कैटरिंग से मिला है दोस्तों। सो दैट्स वंडरफुल, और अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, अच्छा ग्रोथ यहाँ पे भी रहना चाहिए। तो कैटरिंग मेरे हिसाब से बढ़िया ग्रोथ करेगा आने वाले समय में। उसके साथ और एक जगह जो इनको 44% का टर्नओवर दे रही हो, क्या है, ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री। तो दोस्तों ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट रोल रखेगी आईआरसीटीसी के लिए। दोस्तों ट्रेंड क्या है ट्रैवल और टूरिज्म का भारत में, हमने पहले ही बात की, द डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री टू ग्रो बाय 12% CAGR, वंडरफुल थिंग, बढ़िया ग्रोथ है दोस्तों ये। क्यों दोस्तों, ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री डील करती है, आप सोचो, अगर ये ग्रोथ है तो जो इंडस्ट्री डील करती है उनका भी बढ़िया ग्रोथ होगा। कौन सी इंडस्ट्री डील करती है, सी, होटल्स, ट्रैवल एजेंट्स, एयरलाइंस, अदर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एज वेल एक्टिविटीज ऑफ रेस्टोरेंट एंड लेजियर इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें डायरेक्ट डील करती है। तो ये 12% के ग्रोथ का फायदा तो ये सब लोग उठाने वाले हैं दोस्तों, राइट, भारत का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन हमने पहले बात की 11.2% के CAGR से बड़ा है 2013 से 18 में, यानी आने वाले समय में ट्रैवल और टूरिज्म में भारत अपनी महत्व की भूमिका अदा करने वाला है दोस्तों। ये क्यों ग्रोथ हुआ है दोस्तों, सी जस्ट अ मिनट, या ये क्यों ग्रोथ हुआ है, ड्राइवन बाय राइजिंग इनकम एंड इंप्रूव्ड अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ ट्रैवल। मैंने पहले बताया इंडियन की इनकम बढ़ रही है, इनकम के साथ खर्चे घट रहे हैं, राइट, इन्फ्लेशन घट रहा है, इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो लोग घूमने ज्यादा जाएंगे, राइट। लिक्विडिटी क्रंच डीमोनेटाइजेशन ने दिया था थोड़ा उस समय ट्रैवल इंडस्ट्री, ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में ग्रोथ थम गया था, लेकिन ये 2018 दिख रहा है आपको डीग्रोथ हुआ था, लेकिन वापस अगेन अब ठीक में ये आ चुका है दोस्तों। WTTC वर्ल्ड टूरिज्म एक्सपेक्ट करता है डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भारत का GDP में 12% रहना चाहिए आने वाले समय में, यानी 2024 में ये 11 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनेगी। तो याद रखना कौन सी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, एयरलाइन, रिसोर्ट्स, ऑनलाइन बुकिंग्स, ये सारी चीजें काम की है, पर इनकी बातें अभी नहीं, अभी कहां फोकस कर रहे हैं IRCTC पे, तो यहां ध्यान दें। ड्राइवन बाय फैक्टर्स सच एज इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ एयर एंड रेल, ये तो मानना पड़ेगा हमें, राइट, इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव जो हुए हैं दोस्तों इसने भी बढ़िया ग्रोथ दिया है। दोस्तों गवर्नमेंट की पॉलिसी बढ़िया हुई है, अभी जो फॉरेन
टूरिज्म इंक्रीज हुआ है, कई ऐसी जगह है दोस्तों जो अनएक्सप्लोर्ड है। सोशल मीडिया ने भी उन अनएक्सप्लोर्ड जगहों को और लोगों तक पहुंचाया है। ये सारी चीजें महत्व की भूमिका अदा करती है ट्रैवल टूरिज्म में दोस्तों। आप देख पा रहे हो 2014 में ये 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2024 तक 11 ट्रिलियन पहुंचेगी। ये सारे आंकड़े ध्यान रखे रुपए में है, नहीं तो आप मुझे बोलोगे पीयूष भाई 3 ट्रिलियन तो भारत की इकोनॉमी है पर वो डॉलर है, राइट? ये हम रुपए की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ ओवरव्यू ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवलर इन इंडिया। ट्रेन में घूमने कौन वाला है, डोमेस्टिक ट्रैवल भी तो घूमेगा। तो दोस्तों इसका ओवरऑल व्यू क्या है दोस्तों, ग्रोथ डोमेस्टिक ट्रैवलर का आने वाले 5 साल में बढ़िया रहेगा। कैसे कह सकते हैं, सॉफ्टर फैक्टर्स लाइक इंक्रीज इन बिजनेस ट्रैवल। आज हमारे बिजनेस पूरे भारत के हो चुके हैं, पूरे भारत में इंटरनल घूमना, कंसेप्ट ऑफ वीकेंड गेटवे गेटवेज एंड शॉर्टर स्टेज गेनिंग पॉपुलैरिटी, राइट? शॉर्टर स्टेज यानी पहले लोग 15 15 दिन के भी वैकेशन लेते थे, अभी साल में 4 वैकेशन लेने के 3 दिन के, ये भी एक पॉपुलर चीज हो गई है। बुकिंग आसान हो गए हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, हमें रेटिंग पता चल जाते हैं, हम कई जगह पे नहीं गए हैं वो जगह के रेटिंग से पता चलता है कौन सी रिसोर्ट अच्छे है कि नहीं। ये सारी चीजें बढ़ावा देती है इस इंडस्ट्री को, राइट? तो डीटीवी यानी डोमेस्टिक ट्रैवल इंडस्ट्री ग्रू करी है 8% से इस साल। डोमेस्टिक ट्रैवल इन इंडिया इज प्राइमरीली डन एज अ लेजियर एक्टिविटी फॉलोड बाय ट्रैवलिंग। देखो पहला तो पर्पज है लेजियर, घूमने के लिए, बढ़िया हम लोग घूमने जा रहे हैं। इसके अलावा भारत कितना बड़ा है, हम लोग हमारे दोस्तों को मिलने जाते हैं, चलो यार हमारे तो शादियों भी अटेंड करनी जरूरी होती है, अच्छे बुरे प्रसंग हमारे इंडिया में तो अटेंड करने 100% जरूरी है ना। यस, इसीलिए तो हमारी बॉन्डेड सोसाइटी है। ये सारी चीज भी तो इसको बढ़ावा देती है, राइट? नया ट्रेंड इको टूरिज्म एक नया ट्रेंड हुआ है, हेल्थ टूरिज्म, ये सारी चीजें भी डोमेस्टिक ट्रेवल्स को बढ़ावा दे रही है दोस्तों, राइट? एक्सपेक्ट डीटीवी टू ग्रो एन्युअली बाय 9 to 10% और एस्टिमेशन है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट की जो विजिट है जो 2012 में 104 करोड़ लोगों की थी, ये 2023 आते आते 280 करोड़ लोगों की हो जाएगी। ह्यूज ग्रोथ शुड बी सीन इन दिस इंडस्ट्री, राइट और रॉन्ग? सो द ट्रेंड इन ट्रेन टूर पैकेजेस, देखो ट्रेन टूर जो आ रहे हैं, जो IRCTC जो ऑलरेडी जो आपको टूर बना के दे रही है, लैंड टूर पैकेजेस ग्रू एट 23% ओवर द लास्ट 4 ईयर्स, राइट? लैंड टूर के पैकेजेस, एयर नहीं, क्रूज नहीं, लैंड टूर के पैकेजेस 23% के CAGR से बढ़े। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए सबसे ज्यादा सबसे बड़ा योगदान किसका है, स्टेट स्पेशल ट्रेन की, भारत दर्शन का, किसका है, महाराजा एक्सप्रेस, बुद्धिस्ट सर्किट, स्टेट स्पेशल ट्रेन, भारत दर्शन और अदर्स, किसका है बोलो सबसे बड़ा आज योगदान, या स्टेट स्पेशल ट्रेन। इसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए दोस्तों कि फॉरेन ट्रैवलर्स का भारत में आना बढ़ा है कि घटा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टूरिज्म। सी फॉरेस्ट फॉरेन टूरिज्म टूरिस्ट अराइवल, जिसको हम FTA शॉर्ट में कहते हैं, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल टू एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन नेक्स्ट 5 ईयर। आने वाले 5 साल में जबरदस्त ग्रोथ रहेगा FTA का, राइट? FTA ऑन ईयर ग्रोथ 5% का ग्रोथ हमने देखा है पिछले साल 2018 में, ये 10.5 मिलियन तक पहुंच चुका है दोस्तों। 10.5 मिलियन टूरिस्ट यानी अंदाजित 1 करोड़ टूरिस्ट। ये आंकड़ा बड़ा है तो पॉजिटिव है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। आज चाइना में 6 करोड़ टूरिस्ट आते हैं, तो चाइना को जबरदस्त पैसा टूरिज्म से भी मिलता जा रहा है। इंडिया में हमने शुरुआत की है, चलो ग्रोथ तो अच्छा है, हमें यही आंकड़े को
और बड़ा बनाना है दोस्तों. इट इज एक्सपेक्टेड टू पिक अप इन सब्सिक्वेंट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज. आपने देखा ही होगा गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी, कितना वहां पे टूरिज्म बढ़ा है दोस्तों. अगर इसी प्रकार से अलग अलग चीजें भारत भर में बढ़ती है, देखो लोकल लोगों की, लोकल स्टेट की, लोकल सिटी की इनकम बढ़ती है, ये ओवरऑल तो जीडीपी को ही फायदा देती है ना. ये रिसर्च है कि जितना ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आएगा, वो खाली भले आपकी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने आ रहे, पर ये पूरा जो दो तीन दिन बिताते हैं उसमें बढ़िया पैसा खर्चा करते हैं, राइट. वेरियस लग्जरी ट्रेन सच एज महाराजा एक्सप्रेस एंड गोल्डन चैरियट ऑफर एन अट्रैक्टिव रूट टू एक्सप्लोर द कंट्री फॉर फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया. फॉरेस्ट टूरिस्ट आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाई अदर टू पैकेजेस सच एज भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन, बुद्धिस्ट सर्किट स्पेशल ट्रेन as they cover various destination within the country at relatively cheaper price. That you can see huge growth, pura fayda dosto iska kai industries uthayegi my dear friends, right. So last but not least, the trend in national departures from India, this is also important. Humne domestic travel dekha, humne foreign India aa rahe wo dekhe, ye hai Indians jo foreign ja rahe, ये भी 9.5% से बढ़ रहे. क्यों बढ़ रहे? अगेन इनकम बड़ी है. जो मिलेनियल्स है इनका योगदान इसमें सबसे ज्यादा है. ऑलरेडी मिलेनियल बदनाम हुए थे अभी ऑटोमोबाइल की मंदी के लिए, लेकिन यही मिलेनियल फूड इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए इनका बड़ा योगदान है. यही मिलेनियल्स एयरलाइन इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में योगदान दे रहे, और यही मिलेनियल भरे भारत में घूम रहे हैं और दुनिया में घूमते जा रहे हैं दोस्तों. Indian national departure from India grew from 4.6 million in 2001. बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये. 2001 में 46 लाख लोग इंडिया में से फॉरेन ट्रैवल किया था. 2017 में 23.9 मिलियन, यानी ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ लोगों ने ट्रैवल किया. 10% के सीएजीआर से बढ़ा है दोस्तों. सस्टेन देयर ग्रोथ आने वाले सालों में, यानी 2023 तक यह ग्रोथ 10% का रहने का अंदाजा है. यही राइजिंग डिस्पोजिबल इनकम्स की वजह से. सो की गवर्नमेंट इनिशिएटिव टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए दोस्तों क्या है? इंडिया फिगर्ड इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट इंप्रूव्ड कंट्रीज इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2017, राइट. मैंने बहुत बार देखा है लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, भारत में ये गंदा है, भारत में वो गंदा है, टूरिस्ट के लिए गंदा है. हमने ये देखा कि भैया हमने क्या किया है टूरिज्म के लिए. देखो गवर्नमेंट ने जो किया है हम उसको शाबाशी नहीं देखते, तो कोई कोई बात नहीं, लेकिन ये फिगर तो जरूर देख सकते हैं दोस्तों. 12 प्लेस हम लोग इंप्रूव हुए. हम लोग 40वां प्लेस ये अच्छा नहीं है, पर 52 से 40वें नंबर पे आए हैं. और मुझे पूरा भरोसा है जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना, ये और अलग अलग जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, ये हमें एक दिन टॉप 10 में जरूर ले जाएंगे. क्योंकि दोस्तों भारत भी स्वर्ग के समान है. भारत में भी कई जगह है जो दुनिया को टक्कर दे सकती है दोस्तों. फोरकास्ट दैट इंडिया विल बी वन ऑफ द 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग डेस्टिनेशन फॉर लीजियर ट्रैवल spending between 2016 to 2026, right? दुनिया की सबसे fastest growing country में से एक भारत बनेगा. South Asia में 6% का बढ़ावा हुआ है 2017 में, जिसमें भारत भी सफल रहा है 7% से international tourist को आकर्षक करने के लिए, right? तो tourism कोई doubt नहीं, it will be wonderful for India. पैकेज ड्रिंकिंग वाटर क्यों देखना चाहिए अभी? पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इसलिए क्योंकि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी एक पार्ट है IRCTC का, राइट. ये इंडस्ट्री दो भाग में बटी हुई है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड. 60-40% का रेशियो है, 60% ऑर्गेनाइज्ड, 40% अनऑर्गेनाइज्ड. स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है 20% का पिछले 5 साल में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में दोस्तों. क्यों है? क्योंकि लोग हेल्थ अवेयर हुए हैं दोस्तों, अवेयरनेस बढ़ी है हेल्थ की. अभी
कहीं पे भी कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो भी वो लोग क्या कहते हैं, सर नॉर्मल की पैकेज, मिलेनियल्स क्या मांगते हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। यही लोग तो चलाएंगे ये इंडस्ट्री भी। ओवरऑल पैकेज इंडस्ट्री, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बढ़नी चाहिए। चैलेंज है जो प्लास्टिक पे बैन आएगा उससे क्या असर आएगी, दिस इज अननोन, बट स्टिल दिस इंडस्ट्री पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इज ग्रोइंग बाय 20% CAGR, राइट। तो इसमें मुझे आपको बताने की जरूर नहीं है कि वरुण बेवरेजेस का भी यही इंडस्ट्री से लेना देना है। क्यों? क्योंकि वरुण बेवरेजेस इंडिया के पेप्सी के पार्टनर है, जो कि सबसे बड़ा खिलाड़ी है ब्रू के लिए, राइट। ले मत लेना, कल पहले रिसर्च करना, जस्ट मैंने यहां से उदाहरण दिया है आपको, राइट। वरुण बेवरेजेस जो है उनके जो प्रमोटर है, अगर हम प्रमोटिंग कंपनी के बारे में भी बात करें तो पूरे भारत में जो पिज्जा हट्स की चेन है, पेप्सिको के साथ पिज्जा हट की चेन, केएफसी की चेन, यस ये भी उनके प्रमोटर ही रन कर रहे हैं। हाँ ये वीबीएल में इंक्लूड नहीं होगा, वीबीएल वरुण बेवरेजेस में क्या है, पेप्सिको का धंधा, राइट। पर उनका बिजनेस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ओवरऑल ये इंडस्ट्री ग्रोइंग है, राइट। नाउ सी ओवरव्यू ऑफ ई बुकिंग इंडस्ट्री। ई बुकिंग इंडस्ट्री क्यों, क्योंकि IRCTC का कंसर्न किसके साथ है, ई बुकिंग इंडस्ट्री के साथ है, और ये आने वाले कल का भविष्य है ई बुकिंग, क्योंकि आपको हर चीज आने वाले समय में ई बुकिंग पे चाहिए होगी। ई बुकिंग यानी हर वो बुकिंग जो हम इंटरनेट के उपयोग से लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट या मोबाइल से करते हैं। ये जो इंडस्ट्री है ये एस्टिमेटेड है इस साल 2335 बिलियन की रहेगी दोस्तों, ह्यूज इंडस्ट्री। एयरलाइन बुकिंग, होटल बुकिंग, रेलवे बुकिंग, ये सारी चीजें ये इंडस्ट्री में गिनी है। हमने बुक माय शो जो कर रहा है, पिक्चर की टिकट है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं की है, क्योंकि इसमें हमने इंक्लूड किया है टूर रिलेटेड चीजें, राइट, ट्रैवल रिलेटेड चीजें। सो द इंडियन बुकिंग इंडस्ट्री वॉज एस्टिमेटेड 1390 बिलियन इन 2014, और आज कितनी हो गई, 2300। कितना बढ़िया ग्रोथ, 11-12% का। देखा IRCTC जो भी धंधों में है सब जगह ग्रोथ जबरदस्त है दोस्तों। एयरलाइन बुकिंग इसमें ज्यादा, जो पूरा ई बुकिंग का जो इंडस्ट्री है उसमें 48-50% रोल तो एयरलाइन बुकिंग का है। दिख रहा है आपको, 2014 में भी था आज भी है, तो ज्यादातर तो एयरलाइन की टिकट बुक हो रही है। 32-32% शेयर होटल बुकिंग्स का है और 19-21% शेयर रेल बुकिंग का है, राइट। क्योंकि कुछ ट्रैवलर शिफ्ट हुए हैं ट्रेन से एयर ट्रैवल की ओर, पैसे बढ़ने से यही सारी चीजें होती है, राइट। ई बुकिंग को बढ़ावा कौन देता है पता है, राइजिंग इंटरनेट पेनेट्रेशन। देखो दोस्तों, इंटरनेट का पेनेट्रेशन आज भारत में ऑलमोस्ट 49% जितना हो चुका है। ये एस्टिमेटेड है 2024 तक 100 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़े होंगे, यानी 62% पॉपुलेशन इंटरनेट पेनेट्रेटेड होगी, जिसमें से 96% से ज्यादा वायरलेस ब्रॉडबैंड यूजर होंगे, यानी मोबाइल से। यही मोबाइल आने वाले समय में इंडस्ट्रियों को चलाएगा। दूसरी बात मत बोलना कोई मिलेनियल को, क्या मोबाइल में घुसे रहते हो, वो मोबाइल में इंडस्ट्रियां चला रहे हैं, हाँ, जस्ट जोकिंग। बाय 2024 वी एक्सपेक्ट द कंप्लीट ट्रांजिशन ऑफ 2G एंड 3G डेटा सर्विसेज टू 4G। 2024 तक पूरा ये सारे लोग 4G पे कनेक्टेड होंगे। तो अब शेयर ऑफ ई बुकिंग इन द इंडस्ट्री फॉर फिस्कल 2019 कितना रहेगा, 2019 में शेयर दिख रहा है आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन। देखो कुछ साल पहले लोग बोलते थे ये ऑनलाइन फॉनलाइन इंडिया में नहीं चलेगा, डिमोनेटाइजेशन हुआ, सरकार ने बोला ऑनलाइन आ जाओ, ये सब इंडिया में नहीं चलेगा,
देखो क्या हुआ, 2014 में 35% बुकिंग ऑनलाइन होते थे, 65% ऑफलाइन, सॉरी या 65% ऑफलाइन, उल्टा हो गया ना, आज 58% ऑनलाइन, 47% ऑफलाइन, यानी ऑनलाइन शेयर खा गई ऑफलाइन का, 2030 का पूछना ही नहीं क्या होने वाला है, राइट। द ई बुकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज एस्टिमेटेड 2014 में 500 बिलियन की ये इंडस्ट्री थी खाली ई बुकिंग, 2019 1300 बिलियन की इंडस्ट्री, राइट फ्रेंड्स, ड्यू टू हाई इंटरनेट पेनेट्रेशन। भारत की ई बुकिंग इंडस्ट्री 20% के सीएजीआर से बड़ी है, ध्यान रखना, बुक माई शो का आईपीओ शॉर्ट समय में हम लोग देखेंगे, अगर ये ग्रोथ हुआ है तो वो भी ग्रोथ हुए होंगे, राइट। सो हियर यू कैन सी कितना कितना बुकिंग एयर रेल और होटल का ऑनलाइन आज हो रहा है ना, ऑनलाइन रेल बुकिंग बहुत होने लगे 2019 में, ये कितने थे 29, अभी 2019 में 29 to 31%, अभी 23 to 25%। The outlook of the Indian e-booking industry over the next 5 years, आने वाले 5 साल का क्या outlook है? चलो 500 से 1300 बिलियन तो हुए हैं, पर दोस्तों आने वाले 5 साल में हम 1300 बिलियन से 2800 बिलियन का फिगर पार करेंगे, यानी 16 से 17% CAGR से हम आने वाले 5 साल बढ़ने वाले। सो दिस इज अगेन इमर्जिंग इंडस्ट्री दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री जो आप 7% प्लस ग्रोथ से देखोगे वो इमर्जिंग इंडस्ट्री में से ही एक होगी। दिस इज रिव्यू ऑफ पेनेट्रेशन ऑफ ई बुकिंग इन रेलवे बुकिंग्स। देखो रेलवे बुकिंग में 2014 में 50% बुकिंग ई बुकिंग हुआ करते थे, 82% पहुंच गए हम लोग अभी, राइट। तो जो भी अलग अलग चीजों में धंधे है, सारे धंधे आईआरसीटीसी के ग्रोइंग है, तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि इनका धंधा कैसा है। तो बेसिस क्या है इनके ऑफर के, क्यों ये लोग हमसे 300 रुपए मांग रहे हैं, क्यों? सी ऑथोरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू ऑफर टिकट्स ऑफ इंडियन रेलवेज, आईआरसीटीसी ही ऑथोराइज्ड है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, ये ऑथोराइज्ड है कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। देखो ये दोनों चीजों में मोनोपोली होगी इन लोगों की। कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस इन इंडिया एक्सक्लूसिवली ऑथोराइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग पैकेट ड्रिंकिंग वाटर। अब इन्होंने देखा है कि पैकेट ड्रिंकिंग वाटर आने वाले समय का धंधा है, तो एक्सक्लूसिविटी ले ली, राइट। रोबस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल एंड क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट टीम, ये सारे है क्वालिटेटिव फैक्टर। लेकिन चलियो अभी ये क्वालिटी की वजह से क्वांटिटी क्या आ रही है, देखो खाली क्वालिटी नहीं देखनी चाहिए और खाली क्वांटिटी नहीं देखनी चाहिए, क्वालिटी से अच्छी क्वांटिटी आती है, राइट। तो क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव फैक्टर क्या है, 3 साल के आंकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं। ये अब तक 40 करोड़ की इक्विटी थी, अब ये 160 करोड़ की इक्विटी हो चुकी है इसमें, क्योंकि इन्होंने 2019 में प्री आईपीओ मार्च महीने में ही 1/3 बोनस लिया था, राइट। नेटवर्थ 787 से बढ़ते बढ़ते 1000 करोड़ ऑलरेडी इनका है दोस्तों, 15% के ग्रोथ से नेटवर्क बढ़ रहा है, नेटवर्थ बढ़ रहा है, 10% के ग्रोथ से रेवेन्यू बढ़ रहा है, पिछले 2 साल के आंकड़े है, 9% से पिछले 2 साल में प्रॉफिट बढ़ा है। दूसरी एक चीज ध्यान में ले लो, जब से इनका जन्म हुआ है दोस्तों पिछले 2 दशक से, यानी यह कंपनी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया है, यानी कंपनी को आता है प्रॉफिट कैसे करना। कंपनी यहां मैंने 50 लिखा है, अप्रोक्सीमेटली 40-50% पैसा डिविडेंड में अपने प्रमोटरों को दे रही है। अब तक प्रमोटर कौन थे, सरकार, अब इनके शेयर होल्डर कौन थे, खाली प्रमोटर यानी सरकार। अब इनके शेयर होल्डर कौन होंगे, सरकार और आप और मैं, तो ये डिविडेंड हम सब में भी बटेगा, बराबर। कितना बटेगा, ऑलमोस्ट 50% एक्सपेक्ट करना चाहिए, नहीं 40-50% हर साल। रिजर्व इनका घटा इसलिए 3% से है क्योंकि बोनस इन्होंने मार्च में 1/3
शेयर का लिया था, पर आने वाले समय में यही रिजर्व अच्छा इंप्रूव हुआ एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग। ईपीएस 17 रुपए की है, अगेन प्रॉफिट भी बढ़ा 9% से, ईपीएस भी बढ़ा है 9% पे। एनएवी एनेट एसेट वैल्यू अगर इनकी गिने पर शेयर 65 रुपीज की है, राइट। सो एवरीथिंग इज गुड एंड बोरोइंग नील है, यानी ये डेब्ट फ्री कंपनी है। तो फिगर देख के सारी चीजें बढ़िया लगती है, राइट। वैल्यूएशंस क्या बनेंगे दोस्तों इसके, ये 310 रुपये में हमें ऑफर किया जा रहा है। देखो 10 रुपया रिटेल डिस्काउंट है, यानी पी हुआ 18 का, हम 18 के पी पे इसको खरीद रहे हैं अगर पिछले साल का ईपीएस देखे तो। अगर इस साल के हिसाब से देखे तो 2020 में हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उनका ईपीएस 20 रुपया हो। 20 रुपीज का ईपीएस में 15% के ग्रोथ के हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 10% से धंधा बढ़े एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्रॉफिट 15% से, तो 314 करोड़ का प्रॉफिट होगा इस साल, 2,2100 करोड़ का धंधा। 50% प्रॉफिट बटना चाहिए डिविडेंड में, 20 के ईपीएस के हिसाब से मेरे पास 10 रुपए डिविडेंड आना चाहिए, दिस ऑल आर एस्टिमेशन, तो 10 रुपीज डिविडेंड में इस साल लूंगा। अर्निंग के हिसाब से देखो, यानी ईपीएस के हिसाब से देखो, तो 6% की यील्ड है, तो 6% की यील्ड दोस्तों बुरी नहीं है। 6% मुझे फिक्स डिपॉजिट में भी तो उतना ही तो मिलता है। अब एफडी फिक्स सिक्योरिटीज में मुझे 6% मिलता है, बट दैट इज स्टैटिक, 10 साल तक वही रहेगा। 2030 2040 में भी 6% मिलने वाला है। यहाँ पे अगर जैसे ये कंपनी ग्रोथ करती जा रही है भारत के साथ, हमारी यील्ड बढ़ेगी। देखो कैसे बढ़ती है, 2030 में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कंपनी का धंधा 5,000 करोड़ जैसा हो जाए, प्रॉफिट ये 1,200 करोड़ जितना करे, जिसमें से डिविडेंड 635 करोड़ ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ईपीएस 79 रुपीज आना चाहिए 2030 का, यानी 40 रुपया मुझे इस साल डिविडेंड मिलेगा। अब इनकी 20 साल की कंसिस्टेंसी है प्रॉफिट की, डिविडेंड लेने की, तो आने वाले समय में भी प्रॉफिट अच्छा रहना चाहिए, डिविडेंड भी हर साल मिलना चाहिए। तो मैं ये सोचूंगा कि 2030 तक मुझे 250 रुपया तो डिविडेंड मिल गया होगा यार। देखो मैं 300 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ, 250 डिविडेंड ले रहा हूँ, 2032 तक जो लगाऊंगा सब पैसा डिविडेंड में मुझे बाहर आ जाएगा। तो 12 सालों में रुपया तो मेरा वैसे भी डिविडेंड में बाहर आएगा, शेयर जो रहेंगे वो सब बोनस गिना जाएगा, राइट। ह्यूज वेल्थ क्रिएट हो सकती है दोस्तों, राइट। यानी अगर 2030 का मैं देखूं तो फिक्स सिक्योरिटी में मुझे 6% मिलेगा, पर आईआरसीटीसी पे मैं 26% सालाना यील्ड एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, राइट। सो दैट्स अ रीजन आई शुड इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ कंपनीज। इनकी आने वाले समय की बिजनेस स्ट्रेटेजी है, ये लोग आई मुद्रा वैलेट और आई पे लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों। आईआरसीटीसी एज अ प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर भी ये लोग कर रहे हैं। देखो तेजस में एज अ पायलट प्रोजेक्ट, एज एक्सपेरिमेंट इन्होंने लॉन्च किया है ऑलरेडी। सारा मैनेजमेंट ये लोग ही करेंगे, भाव भी यही लोग नक्की करेंगे, राइट। सर्विसेज हर चीज यही लोग देंगे उसमें। अगर ये सक्सेस रहता है तो देखो ये भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है हम सबके लिए, राइट। और आने वाले समय में ये अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को ऑनलाइन स्ट्रेंथन करेंगे। सो ओवरऑल वी कैन से इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। यस और नो? द इंडस्ट्री लाइक रेलवे बुकिंग कैटरिंग एंड टूरिज्म इज गोइंग टू सी डबल डिजिट ग्रोथ। यस और नो? आईआरसीटीसी हैज ऑल द इंडिकेटर ऑफ हाई ग्रोथ एज वेल एज हाई क्वालिटी डेट फ्री कंपनी विद द कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिट मेकिंग सिंस इंसेप्शन। यस और नो? कैन बाय ड्यूरिंग करंट आईपीओ वैल्यूएशन एज इट कैन गिव 6% यील्ड नेक्स्ट ईयर एंड 26% ईयरली यील्ड टिल 2030। यस और नो? सो माई डियर फ्रेंड, होल इन्वेस्टमेंट कुड बी रिफंडेड वाया जस्ट डिविडेंड टिल 2032 एज आई डिस्कस्ड। वेल्थ क्रिएटर इन द लार्जर होराइजन। डिस्क्लोजर बता दू, जो चीज यहाँ पे डिस्कस की है उसके हिसाब से जरूरी नहीं है आप लोग ये आईपीओ भरे। आप आईपीओ को अप्लाई करने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। सो आशा रखूंगा मैं आपको इंडस्ट्री के बारे में कुछ डिटेल बताने में सफल हुआ रहूंगा, राइट।
मिलेंगे दोस्तों आना वाला जो वर्कशॉप वाइजाग में है उसमें, और जयपुर में संडे को जो मीटिंग है दोस्तों उस मीटिंग में। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड। जय हिंद।